हमने कहा जो मनीषा की मां का भाई था और उसका बेटा मनीषा का भाई होगा, तो इन हरामजादों ने अपनी बहन से शादी कर ली और हम लोग इनको धर्म का भाई बना रहे हैं। आप अपने इष्ट देव की कसम खा जाओ, यहाँ पे बैठे कई लोगों के मुसलमानों से रिश्ते होंगे, कुछ व्यापारिक रिश्ते होंगे। व्यापारिक रिश्ते की बात करता हूँ तो ये जो सत्यनारायण जी है मनीषा के पिताजी, इनका और इस मुन्ने का मुसलमान का कई वर्षों से होटल का कारोबार साथ में था। मुसलमान तो कैसे ही करके अंदर घुसते हैं, जब इन्होंने अपना कामकाज अलग कर दिया, इनको लगा कि गड़बड़ कर रहा है। जब कामकाज अलग किया तो इनके गांव के रिश्तेदार, इनके पड़ोसी सुमेर जी पूनिया, इनके साथ इन्होंने काम चालू कर दिया, तो उसका लगा कि यार ये अपने हाथ से सब कुछ चला गया, रिश्ता भी चला गया, व्यापार भी चला गया। तब इन लोगों ने सत्यनारायण जी के ऊपर हमला किया था, जो वीडियो आपने देखे होंगे, हाथ तुड़वाए पैर तुड़वाए, लेकिन हमला इसने करवाया था, खुद आगे नहीं आया, मुकदमा दर्ज कराया, आज दिन तक पुलिस ने चालान पेश नहीं किया है, वो मुकदमा भी पड़ा है। लेकिन जब सुमेर जी पूनिया के ऊपर सुमेर जी पूनिया इनके साथ पार्टनरशिप में आए, तो इन्होंने मुकदमा सॉरी इनके साथ रह के एक षड्यंत्र रचा कि कैसे ही करके इनको तबाह करना है। तो तबाह करने के लिए मनीषा को टारगेट किया। अब हो सकता है घर के अंदर ये लोग आते हैं तो इन हरामजादों की नजर ही ऐसी होती है, कहीं बच्ची बैठी हो, कहीं ना रही हो, या उसको खिला पिला के कैसे ही करके। मैं अपना इष्ट देव की कसम खाकर कहता हूँ, मनीषा को ब्लैकमेल किया गया है। एक बच्ची को कह दिया कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम, तेरा वीडियो वायरल कर देंगे अगर तू जैसे हम कहे वैसे नहीं करेगी। तो बताओ, फरवरी के अंदर शादी कर ली, 18 साल की होते ही उसने मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया, और फिर इसको भगाने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। गुरुवार के दिन, जो पिछला गुरुवार था, उस दिन ये मुनिया साथ में घूमने लग गया, सुमेर जी के ऊपर अटैक करवाया, उसके बाद में भी ये साथ में घूमने लग गए। लेकिन पिछले गुरुवार को मनीषा की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनके कोई ऑपरेशन हो रखा था बच्चा दानी का, तो ये भी वहीं पे था साथ में, और सब लोग मिलकर परिवार के लोग भी वहीं थे। तो उस समय सुबह सुबह जो पूनिया जी इनके पार्टनर थे, इनके रिश्तेदार भी है, तो उनको बोला कि भाई तुम ऐसा करो, हरिराम जी ने उनके दादाजी ने, कि आप लोग घर जा रहे हो तो इस मनीषा को भी घर ले जाओ। मनीषा घर पे गई और कहा कि बेटा नाश्ता बना दे, मैं नाश्ते का टिफिन वापस पहुंचा दूं। तब तक उन्होंने सुमेर जी ने दाढ़ी बना ली। अब सुमेर जी वापस टिफिन लेके घर आ गए, पीछे से सुनियोजित तरीके से मुनिया अपने लोगों के मार्फत थाने के अंदर लेके गया मनीषा को, और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब बताओ, कोई हिंदू ऐसा कर सकता है क्या? जिस थाली में खाएगा उसमें छेद करेगा क्या? आप लोग बता दो, उस सुमेर जी पूनिया जिनकी 4 बच्चियां हैं, अगर ये कोरोना नहीं आता और ये लॉकडाउन नहीं होता, तो इस बार सुमेर जी अपने 4 बेटियों में से 2 बेटियों की शादी कर रहे थे। अब 45 50 साल